हरदोई जिले के कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेशी के लिए कोर्ट में आए कि एक कैदी दो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कैदी के फरार आभास जैसे ही दोनों सिपाहियों को लगी तो उनके हाथ पांव फूल गए। दोनों सिपाहियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद सिपाहियों ने मामले की सूचना अपने अधिकारियों को दी लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। हरियावा थाना के सीओ परशुराम सिंह ने कहा कि फरार कैदी की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की गई है और दोनों आरक्षियों समेत फरार कैदी के खिलाफ हरियावा थाने में तैनात दरोगा अविनाश कुमार ने FIR दर्ज कराई है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। थाना हरियावा से मुलजिम धारा 25-68 और चोरी के अभियोग में आया था न्यायालय में। उसको पेश करने के लिए दो कांस्टेबल लेके आए थे। उनकी लापरवाही से वो भागने में भाग गया कचहरी से, जिसकी तलाश जारी है और मुकदमा लिख गया है। आरक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। किसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? उस मुलजिम के खिलाफ लिखा गया है और दो आरक्षी। बता दें कि अवैध असलहा रखने और चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए खीरी के कैदी उपदेश कुमार उर्फ शिबू मिश्रा को जिला अस्पताल से डॉक्टरी जांच कराकर सिपाही इंद्रपाल सिंह और राजेश कुमार की अभिरक्षा में कैदी को कोर्ट लाया गया था लेकिन दोनों सिपाहियों की लापरवाही के कारण मौका पाकर कैदी फरार हो गया। बता दें कि कैदी को दरोगा अशोक कुमार ने पकड़ा था। फिलहाल कैदी की तलाश में पुलिस जुटी है। वहीं इस लापरवाही की वजह से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।